गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज अपन हाँ करने जा रहे हैं एम्बे लेबोरेटरीज लिमिटेड आईपीओ का बेसिकली एनालिसिस कम रिव्यू। बट बेसिकली दिस एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो एग्री केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है। तो कंपनी एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ ही साथ में होम हाइजीन प्रोडक्ट्स भी बनाती है, लेट से टॉयलेट क्लीनर, आप बोल सकते हो हैंड वॉश, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बनाती है, बट जो मेजर रेवेन्यू आता है दैट इज फ्रॉम द एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स। तो 93.62% जो रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम द एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स एंड 3.45% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द होम हाइजीन प्रोडक्ट। तो कंपनी की जो कस्टमर बेस है दैट इज वन ग्रुप कंपनी, इसके साथ बहुत मेजर ट्रांजेक्शन है दैट इज एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके साथ कंपनी बेसिकली क्या करती है, इससे परचेज करती है और उसको बेसिकली मैन्युफैक्चर करके आगे रीसेल कर देती है। तो बेसिकली कंपनी का अराउंड अगर आप देखोगे तो अराउंड 58 करोड़ की जो सेल है दैट इज टू अरोमेटिक, एंड ये परचेज करती है अराउंड 66.99 करोड़। तो अराउंड 60-70% परचेजेस एंड 50% सेल्स दैट कम्स फ्रॉम दी रिलेटेड पार्टी दैट इज अरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड। फिर बेसिकली कंपनी के और भी कस्टमर्स है, जेआर जिंदल एंड एससी फॉर्मुलेटर। तो मैं अगर बोलूँ तो कंपनी बनाती है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो कि क्रॉप की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, साथ साथ में कंपनी बनाती है होम हाइजीन प्रोडक्ट्स भी, लाइक से टॉयलेट क्लीनर, ये सारी चीज़ें। कंपनी के पास ओन प्रॉपर्टी है 5 एकड़ की जो कि 20,183 स्क्वायर मीटर लंबा है, ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी परचेज करी थी 2004 में, तो ऑब्वियसली बात इसकी फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 2004 में परचेज करी थी एट ₹43.5 लाख, ठीक है। तो 43 लाख की बुक वैल्यू आ रही होगी, लेकिन इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो बहुत अच्छी खासी हाई होगी। कंपनी के पास कैपेसिटी है अराउंड 6,500 मेट्रिक टन, बट कंपनी अभी 2,843 मेट्रिक टन ही यूटिलाइज कर रही है, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन इज क्वाइट लो, 52% ही यूटिलाइजेशन आ रहा है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो अर्चित गुप्ता जी, अर्पित गुप्ता जी, सरीना गुप्ता जी एंड ऋषिता गुप्ता जी। तो बेसिकली ये बेसिकली गुप्ता फैमिली का प्रमोटर्स है, सरीना एंड अर्चित बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ respectively and Arpit and Rishita are simultaneously husband and wife, ठीक है। तो ये है और इनको basically अच्छा खासा experience है, अर्चित जी को around 20 years का experience है, Arpit जी को around 15 years का experience है। अभी बात करते हैं financials की। तो company ने इस साल में 100 करोड़ का revenue अचीव कर लिया है पहले 10 महीने के अंदर। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं January 31, 2024 के P&L के बारे में बात कर रहे हैं, तो 100 करोड़ का revenue है। company का gross margin around 17% है और कंपनी के बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट्स में 195 एम्प्लॉयज है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑफ अराउंड 100 वर्कर्स। तो कंपनी का बेसिकली 16.80 करोड़ का ग्रॉस मार्जिन है, उसमें से अगर अपन एम्प्लॉय बेनिफिट्स माइनस करते हैं 1.70 करोड़ के। अदर एक्सपेंसेस कंपनी के छोटे मोटे हैं लाइक लीगल एंड प्रोफेशनल, रेंट का मेजर खर्चा है एंड फाइनेंस कॉस्ट है। कंपनी के पास अराउंड 20 करोड़ की बोरिंग है, तो 20 करोड़ में से जो बोरिंग है उसमें से 13.74 करोड़ आदित्य बिल्ला से है जिसपे 11.5% का इंटरेस्ट रेट है। बाकी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ऑफ 4.79 करोड़ जिसमें इंटरेस्ट रेट है 15.5%, एंड बाकी प्रमोटर से पैसा ले रखा है 1 करोड़ इंटरेस्ट फ्री। तो अगर मैं बोलूँ 20 करोड़ में से 19 करोड़ इंटरेस्ट के साथ है, 1 करोड़ इंटरेस्ट फ्री है, उस पर मेरा ब्याज बनता है 1.59 करोड़। तो मेरी एवरेज इंटरेस्ट रेट अपन देखें तो मोटा मोटी अराउंड 10% के अराउंड बैठती है, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन आता है 2.83 करोड़। कंपनी के पास मेजरली लैंड है, लैंड की वैल्यू क्या है 10. अगर आप देखोगे लैंड में 10.99 करोड़ की वैल्यू की लैंड है, 2.74 करोड़ की बिल्डिंग है एंड 7.59 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारे जैसे स्टोरेज टैंक्स भी होंगे और जो केमिकल रिएक्शन के लिए बेसिकली टैंकर्स बना रखे जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये सब की प्लांट एंड मशीनरी है। तो कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 7.59 करोड़। कंपनी का पीबीडी निकल के आ जाता है 8.36 करोड़, जिसमें से अपन टैक्स एक्सपेंस माइनस करें तो पैट निकल के आ जाता है 6.01 करोड़। और इसको अगर अपन देखें तो ईपीएस 10 महीने का निकल के आता है 3.21, अगर इसको अपन एनुअलाइज कर दे तो ईपीएस बन जाता है 3.85 का ईपीएस बन जाता है, 3.85 का ईपीएस बन जाता है। तो अभी अपन समझना चाहे तो इनकम स्टेटमेंट में 100 करोड़, 17% का मार्जिन, पैट मेरा 6% है। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इक्विटी 34 करोड़ का बोरिंग, ट्रेड पेबल 26 करोड़ के, अदर लाइबिलिटीज 5 करोड़ की। कंपनी की पीबीआई हमने समझ लिया 23 करोड़ की है। इन्वेंट्री डेज कंपनी का थोड़ी ज्यादा है, 66 दिन की इन्वेंट्री है, 22 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री की।
वैल्यू है। ट्रेड रिसीवेबल में भी थोड़ा सा इशू है, कंपनी के पास 3 करोड़ के ऐसे ट्रेड रिसीवेबल है जो कि 3 साल से ऊपर के एजिंग वाले, और इसलिए कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल डेज भी हायर आते हैं, 85 डेज के अराउंड। कंपनी के पास कुछ अदर एसेट्स भी है, लाइक म्यूचुअल फंड्स है 78 लाख के, कैश है 23 लाख रुपए का, एडवांसेस है 3 करोड़ रुपए के, मैट क्रेडिट है, मैट क्रेडिट मीन्स टैक्स का क्रेडिट है, टैक्स मतलब फ्यूचर में टैक्स का खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैट क्रेडिट है 3.77 करोड़, तो फ्यूचर में टैक्स का खर्चा कम होता जाएगा, इसका मतलब ये हुआ है, राइट। इंप्रेस्ट है मेरा 0.66 करोड़, तो 11.16 करोड़ का मेरे अदर एसेट्स है, टोटल मेरा 86.20 करोड़ आता है बैलेंस शीट साइड। बुक वैल्यू की बात करें तो 18.34 रुपए पर शेयर की बुक वैल्यू निकल के आती है, तो बेसिकली 34.31 को अगर आप डिवाइड करोगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 1.87 करोड़, तो आपकी बुक वैल्यू निकल के आती है 18.34। अभी पॉइंट बस एक यही है कि बैलेंस शीट में एक तो ये 3 करोड़ के जो मोर देन 3 ईयर्स के ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग बात है। कंपनी के टॉप 5 कस्टमर्स 98% रेवेन्यू देते हैं, जो कि हमारा एक रिलेटेड पार्टी है, दैट इज एरोमेटिक रसायन, इसी से हमारी 58% मोटा मोटी सेल है। अभी कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के कैश फ्लो इस 10 महीने के अंदर नेगेटिव रहे, उसका कारण क्या है, हायर ट्रेड रिसीवेबल्स, बहुत ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के बढ़े हैं, कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल 85 दिन पर पहुंच चुके हैं, इसलिए कंपनी का कैश फ्लो भी नेगेटिव रहा है कंपनी के। लेकिन एक अच्छी बात है, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन लगातार कंसिस्टेंट रहे इन द रेंज ऑफ 19%, 2021 में भी 19% थे, 2022 में भी 19% थे, 2023 में मेरे 14% रहे, एंड 2024 जनवरी 31st 2024 तक 17% तक मार्जिन है, तो ये मोटा मोटी सेम है। कंपनी के ऊपर एक टैक्स की आउटस्टैंडिंग डिमांड है 8.5 करोड़ की, कंपनी के ऊपर राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस भी है 1.92 करोड़ का। तो अपन देखें तो अभी अपन को समझना पड़ेगा 8 करोड़ की है ये, 2 करोड़ का ये, तो मतलब 10 करोड़ ये हो गया, 3 करोड़ का ये ट्रेड रिसीवेबल, तो मतलब 13 करोड़ मोटा मोटी आपकी वैल्यू होगी, जो आपको लगता है शायद अगर क्रिस्टलाइज हो गई तो बुक वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो 13 करोड़ को अगर अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से निकाले तो 1.87 रुपीज आता है, तो 1.87 13 करोड़ को डिवाइड करके 1.87 से, तो अपनी जो बुक वैल्यू में इंपैक्ट आता है वो 6 रुपए का आता है। तो मान लो मोटा मोटी अगर अपन बात करें क्लीन बुक वैल्यू क्या है, तो 18 रुपए की मान लो, अगर कंसिडरिंग ऑल दी कंटिजेंट लाइबिलिटी क्रिस्टलाइजेज एंड ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ओवर 3 ईयर्स डज नॉट इज नॉट रिसीव बाय द कंपनी, तो मेरी बुक वैल्यू निकल के आ जाती है अराउंड 12 रुपए की, ठीक है। तो अगर अपन बहुत सेफर साइड पे जाए तो 12 रुपए निकल के आती है, राइट। अभी फिर बात करते हैं, ये अपन ने बात कर लिया था लोन्स के बारे में, पीपी के बारे में भी बात कर ली थी, जुलाई 4 को ओपन होने वाला है, जुलाई 8 को बंद हो जाएगा ये इशू, फ्रेश इशू एंड ओएफएस दोनों है, 65,70,000 शेयर का मतलब इशू है, जिसमें से प्राइस रखी 68 रुपए, कंपनी ने बेसिकली 42.56 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है एंड 2.12 करोड़ का ओएफएस है, तो टोटल इशू साइज है 44.68 करोड़, जिसमें से पैसा जो 42.56 फ्रेश इशू है इसमें से पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा वो 30.93 करोड़ है एंड बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। अगर अपन बात करें कि कंपनी ने रिसेंट में कितने रुपए पे इशू लाया, तो मैंने बोला कंपनी ने रिसेंटली 9 लाख शेयर इशू किए थे एट अ प्राइस ऑफ रुपी 49.5, तो 49.5 से सीधा 68 रुपए पे कंपनी अभी इस शेयर को शेयर इशू लाना चाहती है। अगर कंपनी बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो 1.87 करोड़ शेयर्स थे एट द बुक वैल्यू ऑफ 18.34, जो कि निकल के आता है 34.31 की बुक वैल्यू, राइट। अभी कंपनी फ्रेश इशू करने जा रही है 62 लाख शेयर का एट द प्राइस ऑफ रुपी 68 रुपए, तो 42.56 करोड़ इससे कंपनी पैसा जुड़ाएगी और इससे मेरी रिवाइज बुक वैल्यू निकल के आ जाती है 30.75। अगर अपन रिवाइज बुक वैल्यू का मल्टीपल पे देखें तो ये 2.21 टाइम्स है, बट अगर अपन 6 रुपए ये माइनस भी कर देना, 30 में से 6 रुपए वो हटा देते हैं, जो अपन को लगता है कि बुक वैल्यू में अगर मतलब फैक्टर इन होने चाहिए थे, अगर कंसिडरिंग की कंटिन्यूंग लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज होती है तो भी ये रेशियो विद इन 3 रहेगा, तो 2.21 का बुक वैल्यू रेशियो है, पी रेशियो 17.65 का। अगर मैं इसे पीयर से कंपेयर करता हूँ तो पीयर्स का अतुल लिमिटेड का पी है 60x, पीबी है 3.79x, तो ये इशू वैसे फेयरली प्राइस लगता है, मतलब अगर अपन कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्कोप है, बट द पॉइंट इज अतुल लिमिटेड क्या है, बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, ये बहुत छोटी कंपनी है उसके कंपैरिजन में। इसका जीएमपी चल रहा है 27 रुपए एंड 39% का प्रीमियम है, आफ्टर आईपीओ 69.95% होल्डिंग होगी, कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल शेयर नहीं है, लॉकिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर का एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 0.21 एंड 7.17 पर शेयर। तो अगर मैं बात करूँ तो पीयर्स के सामने कंपनी थोड़ी सी आपको लगता है कि थोड़ा सा रूम है फॉर दी वैल्यूएशंस, बट अगर आप देखो तो मोटा मोटी फेयरली प्राइस, क्योंकि आप देखो 2.5 का बुक पीवी रेशियो है एंड 18x का पी रेशियो, तो दैट इज फेयरली प्राइस। सो दैट इज अबाउट दिस आईपीओ।
डू कंसिडर योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग डिसीजन. दिस वीडियो वॉज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. बाय.